नारायणं नमस्कृत्य नरं च मनोरथं देवीं सरस्वतीं वासं चतुर्जाय मुदीर्याय श्रीमद्भागवत ध्रुजी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र हरि नाम ओम नमो भगवते वासुदेव भगवती का जाप कर रहे हैं और अपने पवित्र और शुद्ध हृदय से किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के विषय द्वेष नहीं रखना, किसी के विषय ईर्ष्या नहीं रखना, इस प्रकार का शुद्ध हृदय थोड़ी देर में बच्चों की तरह भूल जाना, ऐसे शुद्ध और पवित्र हृदय जो गुरु महाराज का भजन के द्वारा हुआ, एक समय भजन करते करते वो स्वयं को भी भूल गए कि मैं भी कुछ हूं। यही हमारे साथ मुसीबत है कि हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं भी कुछ हूं। ये जो हम सोचते हैं ना, मैं भी कुछ हूं, यही हमें मरवाता है। जिस दिन हमने सोच लिया मैं कुछ भी नहीं हूं, सुखी वसे मस्कीनिया आप नवायो तले, बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्भ गले, जिस दिन हमने ये सोच लिया मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तो मेरे श्री हरि है, और आज मुझे जो भी दिया है ये उनकी ही देन है, चाहे रूप है, चाहे रंग है, चाहे धन है, चाहे दौलत है, चाहे शरीर है, चाहे किसी प्रकार की कला है, चाहे किसी प्रकार की भी विद्या है, कोई बहुत बड़ी पदवी है, ये तो सब मेरे हरि की दी हुई बख्शीश है। इस भाव से जो जीते हैं और उनका ही दिया हुआ, उन्हीं की सेवा में मुझे लगाना है, तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम किया। याद रखिए बहनों माताओं मित्रों, सेवा करने के लिए श्री हरि की भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव चाहिए, नियत होनी चाहिए। बाकी ददामी बुद्धि योगम है, देने वाले तो वही है। मैं हमेशा से एक बात आप लोगों को समझाता हूं, संकल्प आप कीजिए, शक्ति वो देगा, और संकल्प करने में कोई खर्चा नहीं है, संकल्प करने में कोई खर्चा नहीं है, शक्ति देने वाला श्री हरि है। आप सबों ने संकल्प किया कि भाई यहां नौका विहार होना चाहिए, अब कैसे हो, किस तरह से हो, ये तो बुद्धि देने वाले राधा वृंदावन चंद्र हैं। जबकि पहले कभी किसी ने नहीं किया था, ये तो पहली बार था। आपने देखा होगा पानी पे फूलों की रंगोली, कितने डिफिकल्ट काम होता है,
और फूल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे, फूल हिल रहे थे लेकिन फूल नहीं हिल रहे थे, अपनी जगह ही थे, एक दूसरे में मिल भी नहीं रहे थे, मिक्स भी नहीं हो रहे थे, अपनी अपनी जगह, कैसे कलाकारी थी। और ठाकुर कल नौका विहार कर रहे थे तो कितने आनंद में होंगे। मैं तो कल हकीकत में बहुत प्रसन्न था और आप भी होंगे अविश्य। तो संकल्प आप कीजिए बैठे बैठे, मुझे अपने ठाकुर की ये सेवा करनी है, मुझे अपने ठाकुर के लिए ये करना वो करना है। मैं फिर कहता हूँ देने वाला वो है, आप दिल तो बनाओ, आप दिल बनाओ। याद रखना, अगर हमारे दोनों हाथ में पत्थर है और देने वाला सोना दे रहा है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पत्थरों को छोड़ना तो पड़ेगा ना। मैं एक छोटी सी एक बात बताऊं वृंदावन की, मुझे याद आई है, कैसे कैसे लोग क्या क्या बड़े बड़े काम करते थे। हम जब बांके बिहारी जी जाते हैं पीछे के रास्ते से, छोटी गली से जाते हैं ना पीछे के रास्ते से, तो वहां एक कोने में एक बूढ़ी माता बैठती जो चप्पल संभालती है, आपने देखा होगा वो हमेशा, वो मुझे हरे कृष्णा भी बोलती रहती है, वो बैठी रहती है। उस बूढ़ी माता के पति भी देहांत कर गए, बहुत आज से 40 साल पहले की बात है, उनका पति भी देहांत हो गया, बेटा बहू भी देहांत हो गए। वैसे वो कटनी की रहने वाली, वो सब छोड़ के श्रीधाम वृंदावन आ गई और बैठ गई बांके बिहारी जी के दरवाजे पे, और जो भी उनके दर्शन करने आते हैं उनके जूते चप्पल संभालती, ये भी बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा, ये चीज मैंने गुरुद्वारों में देखी है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है ये। याद रखना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं ना वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो हमारे प्यारे के दर्शन करने आ रहे हैं, हमें उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी के क्या करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। उनको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो माता ने क्या किया, मैं एक पवित्र हृदय की बात से बात अभी गुरु महाराज की चली है, तो वो माता हमेशा लोगों के जूते चप्पल संभालती, आज भी बैठती है, आप लोग ने देखा होगा, कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन अधिकतर होती है वो। तो वो माता 40 वर्ष पहले आई और वहां दरवाजे पे बैठ गई बिहारी जी के, और जो भी लोग आते हैं उनके जूते चप्पल संभाल के रखती, और कुछ लोग उसको रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये देते थे। ऐसे करते करते उनको 40 बरस हो गए, कितने बरस हो गए, 40 बरस। 40 बरस के बाद उसके मन में विचार आया कि ये जितने भी पैसे हैं उससे मैं एक गौशाला बनाऊं, और 40 बरस में उसने लगभग 40 से 50 लाख जमा किया, कितना, 40 से 50 लाख रुपया जमा किया, लेकिन 1 रुपया अपने ऊपर नहीं खर्च किया, और बांके बिहारी मंदिर के पास एक गौशाला बनवाई ताकि सब गायें आराम से रहे। दूसरा कोई होता तो सोचता बुढ़ापे के लिए रख दूं, एक वृंदावन में फ्लैट लूं, दूसरे पैसे बैंक में डालूं
और मजे से भजन करूं। लेकिन उन्होंने सोचा मेरे ठाकुर की गायें इधर उधर घूम रही हैं, अपने लिए क्या सोचूं। याद रखना, जो अपने लिए नहीं सोचते उनके लिए कृष्ण सोचते हैं कि अरे इसने तो अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, चलो फिर इसको मैं दे देता हूं। और जो अपने लिए सोचते हैं, कृष्ण बोलते हैं इसने रखा है ना अपने लिए, ठीक है। उन्होंने एक गौशाला बनवाई, मैंने फेसबुक में आज वो शेयर किया है, वो रिपोर्ट पूरी टीवी में आई है, मुझे भी नहीं पता था कि एक स्त्री ने, एक बूढ़ी स्त्री ने कैसे 40-50 लाख जमा किए और लगा दिए किसमें, गौशाला में लगा दिए। और खुद लोगों के जूते संभालती है आज भी, चाहती तो बोलती है 50 लाख हो गए, अब कौन जूते संभाले, अब लोग मेरे जूते संभाले, मेरे पास इतने हो गए, 1500-1415 लाख का फ्लैट लूं, स्टूडियो, बाकी पैसे रखूं बैंक में और खाऊं और बुढ़ापा आराम से गुजारूं। देख लो ऐसे ऐसे दीवाने लोग पड़े हैं आज भी वृंदावन में। अब ऐसे लोगों को ठाकुर जी क्यों नहीं अपनाएंगे, बोलो। मैं कभी कभी अपने आश्रम में इन बच्चियों को देखता हूँ, छोटी छोटी जवानी की उम्र है और बहुत चंचल अवस्था होती है। इस चंचल अवस्था में अपने मन को कृष्ण पर रखना बड़ा दुर्लभ मुश्किल होता है। ये 20, 22, 25, 26, 28 साल की बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं, बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन उसके बाद भी इनका डेली सत्संग आना, भजन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, इस अवस्था में कृष्ण इनको क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, इन पे क्यों नहीं होंगे, जबकि इस उम्र में मन बिल्कुल बहुत चंचल होता और वातावरण भी बहुत चंचल कर देने वाला है, मन को भटका देने वाला है वातावरण। बात ध्रुव महाराज से निकली तो मुझे वो माता की बात बहुत दिल में घर कर गई कि धन्य है ऐसे लोग जो इस अवस्था में भी ठाकुर जी की सेवा के लिए सोचते, अपने लिए नहीं सोचते। तो ऐसे भक्तों को बात हो रही थी जिनके दिल शुद्ध है, पवित्र है, वो सदैव कृष्ण के लिए सोचते रहते। यहां ध्रुव महाराज की भी यह अवस्था है, अपने आप को, बात यहां से चली थी कि मैं भी कुछ हूं। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मैं भी कुछ हूं, उस दिन गए काम से। चूंकि मैं समझा रहा था कि पदवी हो, सुंदरता हो, जवानी हो, धन हो, एजुकेशन हो, बहुत बड़ी कोई कला हो, ये तो सब मेरे हरि की दी हुई बख्शीश है, दी हुई बख्शीश, ऐसे देते हैं ना, ऐसे दी हुई है। यहां समझने का ये है कि आप अपने आप को कुछ मत समझो, ये तो मेरे, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है दाता का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये कर्म है, ये कृपा है कि बात अब तक बनी हुई है, बिगड़ी नहीं है, बनी हुई है बात, शुक्र करो। अब यहां ध्रुव महाराज भूल गए कि मैं भी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, जो कुछ भी है वो तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हरी, तू ही तू। अब समय आया है ध्रुव महाराज के लिए, भगवान के विमान आ रहे हैं। इसी समय ध्रुव जी ने
आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उड़ते हुए देखा और वो सीधा उनके समीप आ रहा है। एक विमान आ रहा है, ये विदाई हो रही है घर जाने की। कभी कभी लोग ऐसे दुखी होते हैं, हम एक दिन इस सुंदर दुनिया को छोड़ देंगे। वाओ क्या सुंदर दुनिया है, क्या पहाड़, क्या झरने हैं, क्या स्नोफॉल, क्या स्विट्जरलैंड, क्या कश्मीर, क्या कश्मीर की वादियां, क्या स्विट्जरलैंड, क्या ये, क्या ये। हमें इस सुंदर दुनिया को एक दिन, ये उनके लिए जिनका भविष्य अंधेरे में है आगे का, लेकिन भक्तों को पता है कि इस दुनिया से भी सुंदर एक और दुनिया है, जिस दुनिया की सुंदरता ये दुनिया मात्र एक अंश है। और उस दुनिया में भक्त लोग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावक यथगतवा न निर्वतन्ते तदाम तदधाम परम। जहां पर सूरज की रोशनी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना चंद्रमा की, ना ही किसी प्रकार की और रोशनी की, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। यहां तो बिजली चली जाती है, सूरज ढल जाता है, चंद्रमा भी अमावस्या आ जाती है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। सोचो कैसी जगह होगी, और वहां जाने के बाद कभी फिर लौटना भी नहीं है। यानी आपको उस लोक की सिटीजनशिप मिलने वाली है, समझ लो ऐसे हमेशा के लिए। अब ध्रुव महाराज के लिए सामने विमान आता देखा, और विमान में इतना प्रकाश हो रहा था कि दशों दशाओं को प्रकाशित कर रहा था वो विमान जो ध्रुव महाराज के सामने आ रहा था। मानो अलौकिक प्रकाश, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा का कोटि कोटि प्रकाश हो, ऐसे लग रहा था। और उसमें से दो सुंदर सुंदर व्यक्ति उतर के आए, बहुत सुंदर, जैसे कृष्ण सुंदर ऐसे उनके दूत सुंदर होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, कुछ भी कह लो आप, गॉर्जियस, कोई भी शब्द ले लो, कम पड़ेगा वो शब्द। दो उतर कर आए, उनके हाथ में गदा पद्म, जैसे भगवान विष्णु को होता है ऐसे उनके हाथ में गदाएं थी, चार भुजाएं थी, चतुर्भुज थे, हाथ में क्या थी, गदा थी, और वो गदा के सहारे आकर ध्रुव महाराज के सामने खड़े हो गए, खड़े हो गए। देखो भक्तों की विदाई कैसे होती है। लोग मरते समय अपने कर्मों को याद कर करके भयभीत हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के कर्म तो भक्ति से कट चुके होते हैं, कृष्ण शरणागत से कट चुके होते हैं। हरि भजन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, उससे कट चुके होते हैं। उनका सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी। देखो
यमदूत और भगवान के दूतों में कितना फर्क है, वो कैसे आते हैं? गरुड़ पुराण में बताया है ना, ऐसे भयंकर लंबे चौड़े, उनके जो शरीर के बाल हैं वो रस्सियों जैसे मोटे मोटे, नाक जैसे पर्वत की कोई गुफाएं हो, आंखें अंगारों की तरह धधकती हैं, नथनों से गरम गरम हवा निकलती है, बड़े बड़े विकराल मुंह और उसमें भयंकर दांत, और उनमें दया नाम की चीज नहीं होती, कोई चीखे पुकारे चिल्लाए उन पे कोई असर नहीं होता है, और वो घसीट के ले जाते हैं, इतने करूर होते हैं, और करूप और करूर दोनों होते हैं। दूसरी ओर श्री हरि के दूत पहली बात तो सुंदर है, फिर किशोर अवस्था में और दयालु भगवान की तरह ही ब्यूटीफुल स्मार्ट हैंडसम, मैंने कहा ने कुछ भी कह लो, और फिर ऊपर से कैसे हैं, किशोर अवस्था में है, मुस्कुराते रहते हैं, दया करते रहते हैं, प्रेम से मधुर भाषा में मृदुल भाषा में बात करते हैं, उनके अरुण कमल के समान नेत्र थे, वे सुंदर वस्त्र क्रीट हार बाजूबंद और मनोहर कुंडल धारण करके, इतने सुंदर वस्त्र धारण करके आए हुए थे, द्रु महाराज ने देखा कि ये तो मेरे कोई हरि के सेवक है, ओहो मेरे कोई हरि के प्यारे आ गए। जब भी कोई हरि का प्यारा आए हमें उनको अपनी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए, मेरे हरि का कोई प्यारा आया है। द्रु महाराज हड़बड़ा के खड़े हो गए, अपनी पूजा छोड़ दी, खड़े होकर हड़बड़ा के खड़े हो गए, और भगवान के पार्षदों में प्रधान ऐसे समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन आरंभ कर दिया, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदन, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदन, हे कृष्ण मधुसूदन, हे कृष्ण मधुसूदन, हे कृष्ण मधुसूदन, श्री मधुसूदन के नामों का क्या कर दिया, कीर्तन। यहाँ याद रखिएगा मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम है, जब उन्होंने मधु राक्षस का वध किया तब उनका नाम पड़ा क्या, मधुसूदन, और इसी से मिलते जुलते दो तीन और भी नाम है, कैसी सूदन अरिसूदन, कैसी सूदन कैसी घाट आपने सुना है ना, ये नाम आते ही कितना आनंद आता है ना, कैसी घाट, रमण रेती, गोकुल, महावन, बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड, श्याम कुंड, वंशीवट, भांडीरवन, ये हम सबों का असली देश है, जिसे लोग कहते ना हमारा वतन, ये है वतन हमारा। श्री राधे, और यही भारतवर्ष की मान्यता है, यही भारतवर्ष की मान्यता है। अब श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करे हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, अब सब सुध बुध खो गए और श्री हरि के पार्षदों के दर्शन कर रहे हैं,
प्रणाम करके उनके चरणों में, तब श्री हरि के, मेरे प्यारे श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के, श्री हरि कृष्ण केशव माधव मोहन मधुसूदन के पार्षद नंद और सुनंद, नंद और सुनंद मुस्कुराते हुए आए और ध्रुव महाराज से मुस्कुराते हुए कहा, नंद और सुनंद कहने लगे, हे राजा, देखिए कितनी मान मर्यादा से बात करते हैं, और यमदूत तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं कैसे स्टाइल में बोलते होंगे, बाल से घसीटे और दो किक लगाई और ठाक, और ये कितने प्यार से कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हे राजा, आपका कल्याण हो। पहले तो आशीर्वाद दिया, ये भगवान के दूत ही हैं जो हमेशा दूसरों को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते रहते। आप सावधान होकर हमारी बात सुनो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था से ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हे ध्रुव महाराज, आप जब छोटे थे ना, तभी से आपने हरि को खुश किया। आपके लिए भी कभी तो कृष्ण के दूत ऐसे बोलेंगे, आप तब जवान थे ना, तभी से हरि को खुश किया है। आप लोगों के लिए बोलेंगे, कुछ बच्चे होंगे तो बच्चों को कहेंगे, और बूढ़े भी चिंता नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे, आप जब बूढ़े थे ना, लेकिन हरि तो खुश हो ही जाते हैं। श्री हरि के दूत कहेंगे ऐसे आपसे कि आप बच्चे थे और आपने श्री हरि को खुश किया, फिर जवान होंगे तो कहेंगे आपने जवानी की चंचल उम्र में, जब मन इधर उधर भटकता है, आपने श्री हरि का भजन करके उनको प्रसन्न किया। बुढ़ापे में अगर हुआ तो कहेंगे, बुढ़ापे में जब मोह जाल में फंसा हुआ जीव होता है, तब भी आपने श्री हरि को ही याद किया। आप सब भाग्यवान जीव बैठे हैं जो हरि कथा सुन रहे हैं। सुनना तो है ही जीवन में सबको, सुनना तो है ही, लेकिन वो भाग्यवान होते हैं जो कृष्ण कथा सुनते हैं, जो श्री हरि की कथा सुनते हैं, जो श्री हरि के विषय सुनते हैं। नहीं तो सुनना तो सब कोई है, किसी को पत्नी सुनाती, किसी को पति सुनाता, किसी को सास, किसी को बहू, किसी को बच्चे, किसी को मालिक, किसी को क्या, किसी को अड़ोसी पड़ोसी, सुनाते तो सब कोई है, लेकिन वो भाग्यवान है जो हरि कथा सुनते हैं। आपने छोटी उम्र में सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान के जो अति कृपालु हैं, जो सारे विश्व के नियंता है, सारंग पाणी हरि के हम कौन हैं? भगवान विष्णु के सेवक हैं, और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, आज इस कली काल के भयंकर जमाने में आप लोग जिस स्थितियों में सत्संग सुनते होंगे, ये खुद में एक बहुत बड़ी तपस्या है। सबसे पहले तो हमारा मन हमें भटकाता है, फिर हमारा शरीर, और उसके बाद शरीर के संबंधी,
मन कभी इधर मोहग्रस्त हो जाता है, कभी उसमें मोह पड़ जाता है, कभी उधर भाग जाता है, कभी ये काम आ जाता है, कभी वो काम आ जाता है, कभी इसने रोक लिया, कभी उसने रोक लिया, कभी इससे झगड़ा, कभी उसकी सुनी, कभी इसका कलह, कभी ये मुसीबत, कभी ये बीमारी, कभी पैसे नहीं है तो कभी बिजनेस का काम पड़ गया, कभी उस सारी झंझटों में भी आप आकर हरी कथा सुनते हो, तो ये हरी देखते हैं ना, ये मेरे हरी देख रहे होंगे, और उनके पार्षद ये सब है लिखते होंगे। आप मत सोचिए कि आपका कोई नहीं देख रहा है, सब नोट हो रहा है। हम आपको हरि के धाम ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, अपने भजन से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है। बहनों, माताओं, मित्रों, लोग दूसरे दूसरे बहुत बड़े बड़े देशों की नागरिकता लेने के लिए सोचते हैं, हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, हमें यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन कितने बरस हमें इस देश की सिटीजनशिप मिल जाए, हमारे भविष्य बन जाए, लेकिन कितने साल तक? क्या उस देश में लोग बीमार नहीं होते? क्या उन देशों में लोग मरते नहीं हैं? क्या उस देशों में लोगों का जन्म नहीं होता है? अगर आपको कहीं जाना ही है हमेशा के लिए, जहां कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत का नाम नहीं है, तो वो है श्री कृष्ण का लोक, गोलोक वृंदावन, वो है धाम। वहां जाने की सोचो, वहां जाने की सोचो। मैं एक बहुत बड़े देश की वीजा लेने गया, तो हजारों हजारों आदमी इंटरव्यू देने आए हैं, किसके लिए? वीजा के लिए। और ऐसे लोग सूटेड बूटेड, वाह क्या तैयार होके आए थे, भाई बड़े देश जाना है तो इम्प्रेस पड़े। ऐसी ऐसी लड़कियां ऐसे तैयार होके आई है, लड़के और सूट वूट ये वो, और हाथ में बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो, ब्रीफ केस, ऐसे सूट केस, ऐसे वो सूट केस, इस तरह से कोई बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए और बड़ी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं। भाई आप विश्वास करो, कई लोगों को जिनको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो बाकायदा रोते थे क्योंकि उनके सपने टूट जाते थे। ओ माय गॉड, मेरा सपना टूट गया, अब मुझे ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा, अब मेरा भविष्य कैसे बनेगा, अब मुझे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, सपना टूट गया, लिटरली रोने लगते थे। मैं एक बात बताऊं, अगर रोना है ना तो उस दिन रोना जिस दिन आपका वजन छूट जाए। जिसने भजन नहीं किया है ना, जिसने श्री कृष्ण शरण नहीं किए, समझ लेना वो जिंदगी में फेल हो गया, क्योंकि लोक तो हाथ से गया, साथ में परलोक भी चला गया, फेल हो गया। वो लोग रोए जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह नहीं है, वो लोग रहे जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो खुद को कोसे कि हमारा जन्म ही गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कारत किन, जीवन व्यर्थ हो गया हमारा। मैं देख रहा था जिनको वीजा नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे थे, वो रो रहे थे, उनकी शक्लें ऐसी निराशजनक हो गई जैसे उनकी दुनिया बर्बाद हो गई हो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्या बनाए थे, सपने देखे थे। मैं कहता हूं यदि सपना देखना है तो भगवान के धाम का देखो, जहां के लिए गारंटी है, यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम धाम। रोना तो उन लोगों को चाहिए
जिनकी कृष्ण के प्रति कोई आस्था नहीं है, उनका तो लोक भी गया और साथ में परलोक भी गया। रोना उनको चाहिए। खुद को समझिए, कृष्ण भक्ति कीजिए, ताकि एक उम्मीद बनी रहे कि संसार तो जैसे तैसे गुजर गया, आखिरत तो संवर जाएगी, लोक तो हाथ से चला जाएगा लेकिन परलोक तो नहीं जाएगा। बहनों माताओं मित्रों, यहां पर आपने अपनी भक्ति से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है। जो औरों के लिए बहुत ही दुर्लभ है वो आपको मिल गया है। और यही चीज मैं आपको कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, बहुत दुर्लभ है हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर होए। अब दुर महाराज को निमंत्रण मिल रहा है, अब कल देखते हैं उस निमंत्रण का दुरु महाराज क्या करते हैं। उनको बुलाया जा रहा है कि आइए अब बैठिए विमान में और चलिए अपने असली वतन, अपने असली घर, अपने असली देश। अब दुरु महाराज का क्या रिएक्शन है ये कल पे हम छोड़ देते हैं। जब तक के लिए भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।